ये कैसी तेरी खुद गर्जी। न जाने क्यों आज तुम कुछ बराबरी के लग रहे हो, ना बड़ी गाड़ी, ना गार्ड्स, ना प्रोटोकॉल। अचानक आसमान से जमीन पर कैसे गिरी? अपने घर जाओ। मेरे घर है, रास्ते में खड़े हो तुम। अरे वाह, चुप रहना भी सीख लिया तुमने। क्या हुआ, कोई धमकी नहीं दोगे मुझे? मैं कहूं मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तायबू की गाड़ी ठीक हो गई है? नहीं, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। इसलिए जो कुछ तुमने हमारे लिए किया, इसलिए हर कोई ऐसा नहीं करता। मैं तो हमेशा से करना चाहता था, मगर रास्ते की रुकावटों ने रोक लिया था। शरीफ आदमी था ना, अंदाजा ही नहीं था कि लोग कैसे कैसे हरबे इस्तेमाल करते हैं। इस घर में रह सकेगा? सब सोच के ही आया हूं यार। अंदर कुछ फर्नीचर रखा है, इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन खराब नहीं होना चाहिए। लाइट गई हुई है, मोबाइल निकालो, मोबाइल की टॉर्च में घर देख लो। आ जाओ। सकीना। जी जी छोटे साहब। मेरे रूम का एसी क्यों बंद किया है? सकीना, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि छोटे साहब के कमरे का एसी नहीं बंद किया करो। कमरे की सफाई की थी, छोटे साहब तो थे नहीं, इसलिए बंद करती। अरे हो ना हो, एसी खुला रहना चाहिए, इनसे ना गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। गलती होगी बेगम साहिबा, आइंदा नहीं। अच्छा तुम जाओ। सॉरी बेटा, मूड मत खराब करो अपना। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। ये किस लिए? अगले महीने तुम्हारी बर्थडे है ना, यूएस से कोई जानने वाले आ रहे थे, लेटेस्ट फोन मंगवाया तुम्हारे लिए। वैसे मैंने आज सुबह ही ऑर्डर किया था। थैंक यू एनीवे। चलो कोई बात नहीं, दो दो हो जाएंगे। आप कहाँ जा रहे हो, लंच तो कर लो। मैं बहुत नींद आ रही, मैं सोऊंगा उठूंगा फिर करूंगा लंच यार। बॉक्स कहाँ है? बॉक्स तो नहीं है मेरे पास अभी। रसीद है? नहीं, रसीद भी नहीं है। चोरी का है? चोरी का क्यों होगा, मेरा फोन है। तो रसीद और डब्बा दे दो। मैंने कहा तो है, नहीं है मेरे पास अभी। देखो भाई, बगैर डब्बे वाले मोबाइल को मैं चोरी वाला ही समझूंगा। अब तुम मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी, पर अगर तुम मान लो शायद मैं ले लूं। चोरी का है, लोगे? अब है ना लाइन पे। दरअसल ये चोरी वाले मोबाइल यू बेच नहीं सकते, ये खुलेगा इसका एक एक पुर्जा अलग अलग बिकेगा, इसलिए पूछना जरूरी है। पैसे कितने दोगे? 30,000। 30,000? 2,500,000 का फोन है। तो तुम्हारा थोड़ी है, तुम 30,000 लो, ऐश करो, वरना मार्केट भरी पड़ी है। किसी और के पास जाओगे तो सीधा पुलिस में दे देगा। सोच लो क्या करना है। ठीक है। तो Thank you.
गलत मोबाइल दो भी जल्दी निकाल वरना गोली मार दूंगा। मेरे पास मोबाइल नहीं है। हाँ भाई हाँ, ये सच कह रहे हैं। मोबाइल बेच के उन्हीं पैसों का सामान लेकर आ रहे। सामान उठा इसका। सामान नहीं उठाने दूंगा मैं किसी को। हाथ छोड़ मेरा। सामान छोड़ कर मैं कहता हूँ मेरा हाथ छोड़ा या गोली मारू। मार गोली देख के आ रहा है। गोली मार इसको। मार गोली। ये तुम्हारे सर पे क्या हुआ? छोटी मोटी चोट लगी है। कुछ सामान रह गया, मैं कर ले आऊंगा। मारपीट करके आए हो? देखो मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया कि तुम अपना घर छोड़ दो। ये मेरी लड़ाई है और मैं खुद लड़ूंगी। मैंने एक फैसला किया, कल मैं थाने जाके रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी। गुनहगार तो मैं भी हूं ना तुम्हारा। बाबा साहब ने जो कुछ मेरे साथ किया है शायद जिंदगी भर तुम समझ ना सको। ऐसे मुझे लगता था ना कि तुम और तुम्हारे घर वाले एक जैसे हैं। क्या तुम्हें भी ऐसे ही लगता होगा कि मैं और बाबा साहब एक जैसे हैं? रही बात थाने चलने की तो मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। ठीक है, अब मैं तुम्हें तुम्हारा फैसला चेंज करने पर मजबूर नहीं करूंगी। शायद जिंदगी में पहली दफा तुमने सही फैसला लिया। तुम यहां सो जाना, मैं दूसरे कमरे में सो जाऊंगा। I'm sorry, तुम्हें मेरी वजह से यहां आना पड़ा। कोशिश करूंगा कि तुम्हें तकलीफ ना हो। ये तुम्हारी दवाइयां ग्रोसरी के शॉपर में रह गई थी, अगर तुम चाहो तो उस कमरे में सो सकते हो। यहाँ पंखा नहीं है, तुम्हें आदत नहीं होगी ऐसे सोने की। मैं ठीक हूँ यहाँ पे। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी फिक्र नहीं कर रही, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी को भी कोई तकलीफ हो। तकलीफ? जानती हो सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आपको एहसास हो जाए कि आप कितने बुरे हैं। तकलीफ तब होती है जब आपको पता चले कि आपके बुरे बनने में आपके अपनों का हाथ था। तकलीफ तब होती है जब आपको पता चले कि कोई तकलीफ में है आपकी वजह से। और वो मजबूर होकर बर्दाश्त किए जा रहे। जब आपको एहसास होता है ना तो बहुत तकलीफ होती है। लेकिन ये बातें मैं तुमसे क्यों कर रहा हूं? तुम्हारा ही तो मुजरिम हूं मैं। तुम चाहो तो जगह बदल सकते हो,
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये सब कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? आप तो उससे बहुत मोहब्बत करते, अब से तो उसकी छोटी छोटी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं होती। बैठ लो। जिसकी छोटी सी कोई तकलीफ मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी, आज वो एक छोटी सी बात पे ये मान रखा है उसने, हमारी मोहब्बत ये मान रखा है। छोटी सी बात, इतना सब कुछ हो गया है, सबको पता भी चल चुका है। देखिए, आप एक कदम पीछे हटे वो घर वापस आ जाए। क्या चाहती हो तुम कि मैं उस लड़की और उसके सारे खानदान के सामने जाके अपना सर झुका लूं, उन्हें जाके कहूं कि भाई मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारी साजिश कामयाब हो गई, मेरा बच्चा बागी हो गया, अब मैं तुम सब लोगों से माफी मांगने के लिए आया हूं। That's what you want? हाँ, माफी तो आप ही को मांगनी होगी क्योंकि गलती भी आप ही की है ना। अपने दिमाग का इलाज करवाओ ना, तो ये सर कभी झुका है ना झुकेगा। चाय। थैंक यू। तुम चीनी नहीं लाए इसलिए पी लिया। आज ले आऊंगा मैं, कुछ और भी अगर चाहिए हो तो मुझे बता देना, ले आऊंगा। प्लेट्स नहीं है किचन में, काफी चीजें नहीं। कुछ पैसे हैं तुम रख लो, जो भी सामान जरूरत का हो वो ले आना। पैसे अगर और चाहिए हो तो मांग लेना मुझसे। मैं तुमसे फिर कहती हूँ कि तुम्हें मेरे साथ आने जाने की जरूरत है। और मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ थाने जाना चाहता हूँ, उसके प्लीज अब दोबारा नहीं बोलना। ठीक है, मैं चेंज कर। मुझे एक छोटा सा काम है, शामिल आ रहा है, मैं वो काम कर रहा हूँ, फिर चल। शामिल आ गया। भाभी, ये नाश्ता लाया। इस तकलीफ की क्या जरूरत थी? तकलीफ वाली कौन सी बात है, आपके इस देवर पर आपके शोर के बहुत एहसानात हैं। अच्छा नाश्ता मिला था, मैं ले आया, बस जल्दी से निकाल दीजिए, कसम से बहुत भूख लगी हुई है। मैं भी। घर का एडवांस किराया सब तुमने दिया, वो भी वापस करना है मुझे, उस बात की भी टेंशन है। देखो अब सारी जिंदगी ऐसे हालात तो नहीं रहेंगे ना, आखिर में तो तुम घर वापस चले जाओगे। घर वापस नहीं जाऊंगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम अगर मदद कर सकते हो तो ठीक है, वरना मैं खुद कुछ ढूंढ लूंगा। अच्छा फौरन से तो कोई ऑर्डिनरी जॉब ही मिलेगी, बमुश्किल 35-40 हजार रुपए की। कुछ भी है, कैसी भी जॉबों में कर। ठीक है, कोशिश कर। Assalamualaikum. Please subscribe to AYY Digital YouTube channel for amazing content.